Hey guys, Assalamualaikum. I'm going to talk about the latest episode of मुझे प्यार हुआ था. मुझे प्यार हुआ था, शायद मैंने पिछली बार भी ये रिव्यू में बोला था कि इस तरह जाता है ड्रामा, ऐसे जाता है. कुछ हफ्ते होते हैं जब ड्रामा डिप लेता है, कुछ हफ्ते होते हैं जब ड्रामा ऊपर जाता है. तो ये भी वो हफ्ता था जब माहिर ने फाइनली वो सब कुछ बोला जो हम सुनने के लिए तरस रहे थे, हमारे कान के माहिर बोल दो अरीब को, तुम सोच रही हो, तुम हमें इशारे दे रही हो, लेकिन ये मुँह से भी बोलो अरीब को कि भाई इनफ. एंड देन आई फाइनली वो हो गया और हम सब बड़े खुश थे. अच्छा, उस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो आया अरीब घर में एंड वो आवाज़ें दे रहा है माहिर माहिर माहिर, एंड माहिर आई, उन्होंने आती था तो उसको ये बोला नहीं कि निकल जाओ अभी, वो वेट कर रही हैं. अरीब ने पूरी स्पीच दे दी, बट देन आई अंडरस्टैंड दैट वो स्पीच देना भी ज़रूरी थी ताकि हम अरीब का वो देख सकते हैं बिकॉज ड्रामे का ट्विस्ट आगे कैसे बढ़ता. फिर कोई 5 से 10 मिनट बाद जाके माहिर को होश आया और उन्होंने उसको बोला मुझे तुमसे नफरत है और पता नहीं तुम क्या, और उसके मुँह पर एक थप्पड़ भी मार दिया और सब कुछ. तो आई विश कि वो तो शुरू में ही हो जाना चाहिए ना. सो आई डू अंडरस्टैंड दैट सर्टन थिंग्स हैव टू बी कम्युनिकेटेड, बट कुछ चीज़ें ना वो ज़रा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकती थी. अच्छा, इस एपिसोड में मुझे लगता है 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं. सबसे पहले तो नॉन इंटरेस्टिंग एंड नॉन क्या बोलूँ मैं, जो चीज़ जिसकी सेंस नहीं समझ आ रही, वो नीलो और उसकी अम्मा का रिएक्शन था आफ्टर माहिर क्लियरली टेल्स अरीब कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो उससे नफरत करती है. और फॉर द फर्स्ट टाइम माहिर बहुत चीखती है उसके ऊपर, बहुत गुस्सा करती है, लेकिन नीलो और उसकी अम्मा बिल्कुल दूसरे उस पर चली जाती है. वो कहती है माहिर इन्वॉल्व्ड है इसीलिए वो खुला के कागजात लेकर आया. अब ये मुझे इतनी सिली बात लगती है कि क्यों, वाई वुड यू डू दैट. अगर माहिर ने जाना है तो माहिर को क्या चीज़ रोक रही है? बाप रोक रहा है, माँ रोक रही है, कौन रोक रहा है? माँ तो ऑलरेडी उसके साथ है, वो साथ को बोली ही साथ उसे छोड़ देगा, वो अरीब के साथ शादी कर सकती है. और अगर चले हम अज्यूम कर लें कि नहीं, वो बाप की को दुख नहीं पहुँचाना चाहती है, बाप की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर हम ये अज्यूम कर लें, तो इवन देन शी कैन हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साइलेंटली सीक्रेटली विद अरीब और किसी को पता नहीं चलेगा. उसको क्या जरूरत पड़ी है कि इतना हंगामा मचाए और अरीब आ जाए घर पे और सब कुछ हो जाए. सो इट रियली डज नॉट मेक सेंस टू मी कि ये सब क्यों होगा. और साद को इतना तो दिखाया है कि अगर माहिर आज बोल देगी माहिर को छोड़ देगा साद. तो ये जो इट जस्ट टेक्स अवे फ्रॉम द होल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द ड्रामा जब आप नीलो और उसकी अम्मा को इस तरह की बातें करते हुए देखते हैं. वो कैरेक्टर सीरियस, लाइक नीलो इज़ अ कैरेक्टर दैट आई रियली एंजॉयड वॉचिंग, लेकिन अब नीलो वो कैरेक्टर हो गया जो नूसेंस बन गया. और मैं सोचती हूँ भाई कभी अक्ल की बात भी तो कर लिया करे ना नीलो हर वक्त. आज शाजिया ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि शायद नीलो को एक मर्द की ज़रूरत है ज़िंदगी में, सैडली. एंड यू नो इट लुक्स लाइक दैट भाई कि शादी करा दो उसकी तो शायद ये ठीक हो जाए. इट्स सच अ सैड थिंग, बट ये ड्रामे हमारे इस तरह की चीज़ें प्रोपोगेट कर रहे हैं, यू नो, क्योंकि उसकी शादी टूट गई एंड ऑल दैट. खैर, मे बी वो वाकई भाई के लिए फील कर रही है, अब मुझे इतना लगता नहीं है. ओके, कमिंग टू माहिर एंड साद. अच्छा, माहिर और साद की रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग है. जो चीज़ मुझे एक तरह से अच्छी भी है और एक तरह से अच्छी नहीं है, इन द सेंस कि माहिर रियलिस्टिकली डिसाइड कर रही है कि वो साद को चूज़ करना चाहती है. ठीक है, इट इज़ नॉट आउट ऑफ लव. एंड आई समटाइम्स फील दैट आई वुड हैव लाइक्ड माहिर टू चूज़ साद बिकॉज शी लव्ड हिम, यू नो. पर मुझे ये एंगल भी अच्छा लगता है कि वो रियलाइज़ कर रही है कि अरीब वो चीज़ नहीं है, अरीब वो मोहब्बत नहीं है, अरीब वो इंसान नहीं है जिसको वो समझ रही थी. अरीब तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट मैनियक है, यू नो, जो जिसको वो नहीं चाहती ज़िंदगी में, जो उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, उसकी चॉइसेस का ख्याल नहीं रखता. साथ उसके बिल्कुल ऑपोजिट है और वो साथ की मदा होती जा रही है, यू नो. साथ को ज़्यादा पसंद करने लगी है बिकॉज ऑफ व्हाट शी सॉ इन अरीब. आई वुड हैव लाइक कि वो साथ के लिए कुछ फील भी करना शुरू कर दे. अभी मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज़ एक्सेप्टिंग द सिचुएशन बिकॉज शी हैज़ नो अदर वे. तो पहले वो अपने दुख से निकल रही थी, अब वो उसको एक्सेप्ट कर रही है. सो शी इज़ नॉट अनहैप्पी, बट एक होता है ना कि आप मोहब्बत से एक्सेप्ट कर लें आप, वो हमें चीज़ माहिर में नज़र नहीं आ रही है. एंड आई विश कि ड्रामा हैड शोन दैट बिकॉज आई थिंक साद डिज़र्व्स दैट. अच्छा, अब साद की साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है. साद अगेन जैसे सलमान हम कह रहे हैं कुछ अनकही में एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है, तो सलमान भी एक वो कैरेक्टर है जो परफेक्ट नहीं है. साद भी वो कैरेक्टर है जो परफेक्ट नहीं है. साद जो है वो एहसास कमतरी का भी थोड़ा बहुत शिकार है, यू नो. वो कहता है अरीब को, माहिर को, कि अरीब मुझसे बेहतर है, और वो उसे कहती है नहीं तुम उससे बहुत कहीं दर्जे बेहतर हो. तो ये उसकी उसके दिमाग पे चल रहा है कि फाइनेंशियली वो उससे बेहतर है, माहिर उसमें पहले इंटरेस्टेड थी. तो
साथ को अपने साथ ने अपने आप को काफ़ी लेवल्स पे नीचे रखा हुआ है. एंड ये इंटरेस्टिंग है, ये देख के इंटरेस्टिंग लगता है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी फाइनली ड्रामे में आपको कहीं नज़र आ रही है, थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ हुई हुई यू नो स्क्रिप्ट में. क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है कि जब दो लोग एक ही इंसान में इंटरेस्टेड हों तो और उन दोनों को पता हो तो वो कंपैरिजन में आ जाते हैं. अरीब तो इसीलिए सीना तान के फिरता है ना, वो कहता है मैं तो अमीर भी हूँ, मैं तो एजुकेटेड भी हूँ, मैं तो यू नो गुड लुकिंग भी हूँ एंड यू नो. तो साथ की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन साथ उसके बरक्स है. एंड ऑल्सो बिकॉज माहिर चोज अरीब फर्स्ट, तो साथ को और ज़्यादा फील होता है. तो मुझे ये जो सारी साइकोलॉजी चल रही है मुझे इंटरेस्टिंग लगती है. ऑल्सो मुझे लगता है कि शायद साथ को ये भी होता हो कहीं कहीं के यार इसने पहले भी अरीब को चूज़ किया और अभी भी वो मुझे इसलिए एक्सेप्ट करी है बिकॉज शी हैज़ नो अदर वे यू नो. तो शायद कहीं हमें ये दिखाएं, बट इंटरेस्टिंग ये है कि साथ एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है एंड इट इज़ ओके, बट आई डोंट वॉन्ट साथ टू बी बेचारा. एंड मुझे लगता है कि ये जो फाइन बैलेंस है वो कहीं कहीं ड्रामे में किसी किसी एपिसोड में गिर जाता है और साथ बेचारा हो जाता है, विच आई डोंट वॉन्ट टू सी. आई वुड लाइक टू हैव द सॉफ्टर इमेज ऑफ मैन बट नॉट द बेचारा इमेज ऑफ मैन. अब थर्ड चीज़ आ जाती है अरीब और सॉरी माहिर और साथ की रिलेशनशिप. माहिर उसे कहती है मुझे लगता है तुम किसी नेकी की का बदला हो मेरे लिए, यू नो मैंने कोई नेकी की थी. अच्छा मुझे ये बात इंटरेस्टिंग भी लगी. और उसके बाद वो कहती है कि वो याद करती है वो दोस्ती वाली बात और सब कुछ. और फिर वो साथ को कहती है कि मुझे तुम पे हमेशा एतबार रहेगा और तुम कभी मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे और हम दोस्त रहेंगे. अब मुझे समझ नहीं कि यहाँ पे दोस्ती का जिक्र करना क्यों ज़रूरी था. मतलब मैं वेट करी थी कि वो दोस्ती जोन से निकल के दूसरी जोन में जाएंगी, विच इज़ मोहब्बत की जोन या हस्बैंड वाइफ की जोन या रिलेशनशिप की जोन. वो तो अभी तक दोस्ती में अटकी हुई है, उन्होंने फिर दोस्ती. अब वो क्या अपने आई अंडरस्टैंड दैट शी इज़ ट्राइंग टू से कि तुम मेरे दोस्त भी हो, बट आई थिंक अब मैं थक गई हूँ, मेरा पेशेंस जवाब दे गया. मैं अब वो डिवेलपमेंट देखना चाहती हूँ दोनों की रिलेशनशिप में, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप बिटवीन माहिर एंड साद. दोस्ती से निकल के दोस्ती से बढ़ के एंड दैट डजेंट मीन कि वो दोस्त होना बंद कर दें. ऑफ कोर्स दे विल बी फ्रेंड्स वाइल बींग हस्बैंड एंड वाइफ एंड दिस इज़ द टाइम वेन वी शुड शो दैट हाउ टू पीपल हु आर फ्रेंड्स कैन एक्चुअली बी इन अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विच इज़ रोमांटिक और विच इज़ अ मैरिटल रिलेशनशिप यू नो. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस एपिसोड ने नहीं किया एंड आई एम कन्फ्यूज कि वो क्यों जिक्र कर रही है, वो क्यों बोल रही है. अब हो सकता है मतलब उनका यही हो कि मोहब्बत में वो दोस्ती का भी साथ ले रही है, लेकिन ये कम्युनिकेट मुझे नहीं हो पाया. एंड आई एम थिंकिंग क्या वो कह रही है साथ को फिर से, भाई तुम दोस्ती हो डिस्टेंस रखो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है बट अभी मैं रेडी नहीं हूँ. एंड अगेन इफ माई नीड्स मोर टाइम देन शी शुड से इट, बट देन शी इज़ गिविंग अदर सिग्नल्स. जब वो तैयार हो रही होती है तो वो कहती है कि ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो, तारीफ़ करनी है तो सही तरह तारीफ़ करो. सो इंटरेस्टिंग है. अरीब ऑन द अदर हैंड हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इट. ही हैज़ नो सेंस. अब तो बेचारा मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो बिल्कुल ही ज़हनी तौर पे जवाब दे चुका है, क्योंकि वो जब माहिर के घर पे आता है तो वो बिल्कुल ही इज़ लॉस्ट इट. लाइक यू नो उसको नज़र ही नहीं आ रहा होता क्या होता है, वो एक रैंट कर रहा होता है, ही इज़ ऑन अ रैंट यू नो. अच्छा उसके बाद एक और चीज़ ये कि आप देखेंगे अरीब का कैरेक्टर कितना सेल्फिश और वो सेल्फ ऑब्सेस्ड और टॉक्सिक है कि उसने कहा कि अगर ये मुझे नहीं मिलेगी तो ये किसी और को भी नहीं मिलेगी यू नो. वो ये कह देता है. सो विच इज़ इंटरेस्टिंग इन अ वे, बट एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो आई विश कि ये पहले से क्लियर किया होता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता. वो एक हम एक टॉक्सिक इंसान की स्टोरी भी देखेंगे साथ में रादर देन अ पर्सन हु लॉस्ट समबडी इन लव यू नो. सो ये है. सो ड्रामा ऊपर नीचे जाता रहता है, ऊपर नीचे चला जाता रहता है. अब बहुत ही स्लो चल रहा है. आई विश कि आगे चले. अब एक्चुअली मैं सोचूं ड्रामे का मकसद क्या है. लिटरली अब मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ जब मैं सोचूं ड्रामे का मकसद क्या है. हर ड्रामे का कोई मकसद होता है. अब आई एम लूजिंग इट. मुझे नहीं समझ आ रही है कि ड्रामा में क्या बताना चाह रहा है. क्योंकि अब माहिर भी साथ. अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे हुआ था, बेचारा साद और माहिर जा रहे थे बाहर, उनकी आउटिंग रोक दी अरीब ने. आई विश कि साथ बाद में आया था तो माहिर को बोलता चलो बाहर चलते हैं एंड दिखाते कि वो डिस्पाइट एवरीथिंग वो दोनों बाहर गए एंड दे हैड अ गुड टाइम. सो आई विश कि अगले कुछ एपिसोड्स में हमें क्लियर हो कि इस ड्रामे का मकसद क्या है. हर ड्रामे का एक पॉइंट होता है. इस ड्रामे का क्या पॉइंट है अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही है. और ये दोस्ती वाला पार्ट क्या इसलिए दिखाया था कि आगे कुछ होने वाला है और फिर साथ को फिर हम पेडेस्टल पे खड़ा कर पूछेंगे भाई डू यू बिलीव माहिर और नॉट. एंड दैट इज़ द पॉइंट जब माहिर जब साथ की फाइनल यू नो अप्रूवल होगी और फिर माहिर उनको अपना पूरा दिल से दे देंगी.
सो लेट्स सी, वी आर वेटिंग एंड आई जस्ट होप कि इसको अगली 4 एपिसोड्स बल्कि अगली 2 एपिसोड्स में रैप अप कर लें. आप लोगों का क्या ख्याल है? आर यू लाइकिंग साद एंड आर यू लाइकिंग द न्यू रिलेशनशिप ट्विस्ट दैट वी आर होपिंग विल हैपन बिटवीन माहिर एंड साद? कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.